हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज होली में यानी कि रंग का त्यौहार, तो सब लोग रंग खेलने वाले, तो उसी के लिए मैं एक होम रेमेडी तैयार करने जा रही हूँ बालों के लिए, जो बिल्कुल नेचुरल है, जो कितना भी पक्का कलर होगा आपके बालों में या स्किन पे, सब कुछ निकाल के रख देगी नॉर्मली। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आंवले का पाउडर जो होता है, उसी का पानी पका के मैंने इसमें ले लिया था। आपको भी ले लेना है, और कोशिश करना कि लोहे की कढ़ाई में, लोहे के बर्तन में ही पकाना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस बर्तन में भी होगा आप ले सकते हो, बना सकते हो उस पानी को भी। और इसमें मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया है। इसमें लोहे के बर्तन में पकाने से होता है कि बालों में ना नेचुरली कलर आता है, काले भी होते हैं और वाइट बाल जो पकने लगते हैं हमारे, वो भी रुक जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें जितना मुझे पानी लेना था आंवले के पाउडर का, उतना मैंने ले लिया है अपने बालों की लेंथ के अनुसार। और इसमें मैंने आधा नींबू ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। और नींबू हमारे बालों को नरिश करेगा, एकदम विटामिन सी से भरपूर स्रोत है ये, तो बालों में अच्छे से काम करेगा हमारे, और कितने पक्का कलर होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था जो एक साबुन होता है कपड़े धोने वाला, ये बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, बल्कि ये बालों में जितना भी पक्का कलर हमारे बालों में जाने वाला है, जो नुकसान दे सकता है, जड़ों को कमज़ोर कर सकता है बालों को, तो आज मैं इस रेमेडी में इसका यूज करना आपको बता रही हूँ कि कैसे हमें इसे यूज करना है। तो यहाँ पर मैं ये साबुन पानी में डाल के रखी ताकि नरम सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा, और जितनी क्वांटिटी हमें इसमें अपने बालों के अनुसार हमें चाहिए होती है, तो उतनी हम इसमें से साबुन छुटा लेंगे थोड़ा सा, यानी कि निकाल लेंगे। आप चम्मच की सहायता से निकाल सकते हो या हाथ की सहायता से भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर इसे हाथ की सहायता से निकाल लेती हूँ, जितनी मुझे चाहिए है, जितने मेरे बालों की लेंथ है उतना ही मैं साबुन इसमें से ले लेती हूँ। और इसमें मैं अच्छे से मिला लूँगी। एक स्ट्रॉन्ग शैम्पू बनाने वाली हूँ आज आपके बालों के लिए, जो बालों को बिल्कुल नुकसान नहीं देगा बल्कि और फायदा देने वाला है। बालों को कलर से भी कोई नुकसान नहीं होगा और आपके बालों को घना लंबा करने में भी ये सहायता करता है। मैं अक्सर ये सब रेमेडी अपने बालों पर अप्लाई करती रहती हूँ। तो अब हमें इसे एक चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लेना है, जब तक इसमें अच्छे से बबल ना उठ जाए। और आपको लगता है कि साबुन से बाल ड्राई हो सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, जो आप शैम्पू यूज करते हैं डेली बेस पे, डव, कैनी प्लस, पेंटेन वगैरह जो भी है, लेकिन मैं पतंजलि यूज करती हूँ, तो मैं इसमें अपने बालों की लेंथ के अनुसार जितना शैम्पू मुझे चाहिए उतना मैं ले लेती हूँ। एक इतना बढ़िया परफेक्ट शैम्पू बनने वाला है, हेल्दी स्ट्रांग शैम्पू बनने वाला है इससे आज। तो इसे मैं कैसे अप्लाई करूँगी अपने बालों पर, वीडियो में बनाए रहिएगा, मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ। और आप यहाँ देख सकते हो कितना परफेक्ट शैम्पू ये बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल केमिकल फ्री शैम्पू है, एकदम हेल्दी वाला। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आए, यूजफुल लगे, काम करें आपके बालों पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में वीडियो को देखने के चक्कर में आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो आइए मैं दिखाती हूँ ये कैसे यूज करना है। तो इस कांच की गिलास से हमने जो पानी का मग है उसमें ये ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि हाथ से फिसल के टूटने का खतरा हो सकता है, कांच की गिलास को नुकसान हो जाएगा, चोट भी लग सकती है, इसलिए कांच का गिलास यूज नहीं करना है, इसे हमें मग में ले लेना है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बाथरूम में अपने हेयर वॉश करने के लिए। आपको दिखा रही हूँ कि रेमेडी बाल धोने के बाद कितना परफेक्ट काम करेगी, इसे आप किसी भी समय यूज कर सकते हैं अपने बालों पर। बस ध्यान ये रखना है कि बालों में अच्छे से तेल मालिश कर लेनी है कलर खेलने से पहले, ताकि बालों में हमारे नमी बनी रहे और बाल ड्राई ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने बालों में शैम्पू लगा लिया है, और बालों में मैं उंगली घुमा घुमा के धीरे धीरे इसे अच्छे से अंदर अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा वर्क करेगा, आपको इसका रिजल्ट मैं लाइव दिखाने वाली हूँ बाद में, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा यहाँ तक। और इससे ये फ़ायदा होता है ना कि बाल लंबे होंगे तेज़ी से, और इसके बाद बालों की जो हमारे जड़ें हैं, स्कैल्प जो है, जो जड़ें हमारी ढीली हो गई हैं, बाल हेयर फॉल हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, और गंजेपन की जो समस्या हमारे अंदर आती चली जा रही है, उस सब को भी ये स्टॉप कर देगा एकदम। बस ये है कि आपको इसे यूजफुल तरीके से ही यूज करना है, और इस हर चीज़ को यूज करने का तरीका होता है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अपना अपने बालों में शावर ले रही हूँ, और इसी तरीके से मैं अपने हेयर वॉश कर लूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट, के बालों में इसका रिजल्ट क्या मिलता है। यही सब होम रेमेडी बना बना के मैं अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। मैं केमिकल वाली चीज़ें अपने बालों में अप्लाई नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे बाल इतने हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हैं, इतने बढ़िया साइनिंग करते हैं, ताकि मुझे मर्चिंग की जरूरत नहीं पड़ती है।
वॉश कर लिया है, और आपको भी दिखाते हैं इसका रिजल्ट। कितने साइन ही हो गए हैं, और देखिए कितने तेजी से मेरे बालों की लंबाई बढ़ती जा रही है। बता भी नहीं सकती, शायद आप लोग विश्वास ना करें, लेकिन मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं करती हूँ, आपके विश्वास के साथ, क्योंकि मुझे पता है मुझे YouTube पर आगे आप लोगों के साथ चलना है। आप देख सकते हो आपसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अगर मेरी होम रेमेडी आपको अच्छी लग रही है, देखो जब आप इस्तेमाल करोगे तभी उसका फायदा भी मिलेगा, और इस रेमेडी को आप जरूर अप्लाई कर लेना। कितना भी भयंकर वाला रंग होगा आपके बालों में, बिल्कुल रुकने वाला नहीं है, और बाल इतने सॉफ्ट नरम शाइनिंग हो जाएंगे कि ऐसे। तो पहली बार मैं चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ में जो घंटी बजनी आती है उसे ऑल पर दबाकर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई अच्छी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।